फ्रेंड्स, यानी मदद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मुमताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रेड चिकन। रेड चिकन के लिए मैंने एक बड़ा चिकन लिया है 1 kg का, जिसके 8 पीस किए हैं मैंने, ऐसे बड़े पीस। कश्मीरी मिर्च 10 से 12, आप अपने स्वाद अनुसार लीजिए। ब्राउन विनेगर लिया है मैंने, आप कोई भी विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये 2 टेबलस्पून। ये ऑलिव ऑयल है 2 टेबलस्पून, आप कोई भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच ज़ीरा, 8 से 10 लहसुन, नमक स्वाद अनुसार। मैंने आधा घंटा पहले कश्मीरी मिर्च को एक गर्म पानी में भिगो के रखा है, और इसमें मैंने 1 चम्मच ज़ीरा और नमक स्वाद अनुसार डाल के रखा है। अब हम जो मिर्ची भिगो के रखी है उसे हम ग्राइंड करेंगे। इसमें हम लहसुन भी डाल देते हैं और अब और थोड़ा जो बचा हुआ पानी है वो डाल लेते हैं, और इसे हम एकदम बारीक होने तक पीसेंगे। लाल मिर्च को ऐसे बारीक पीस लिया है मैंने, और ये जो चिकन के पीस है उसको हम ऐसे कट्स करेंगे सबको, 2-2, 3-3 अपने हिसाब से। अब हम चिकन को मसाला लगा लेते हैं। लाल मिर्च का मसाला मैंने लगा दिया है। अब हम जो 2 चम्मच विनेगर है वो डाल लेते हैं, और इसे मिक्स करके हम आधा घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख लेते हैं। आप अगले दिन मसाला लगाकर ओवरनाइट भी फ्रिज में रख सकते हैं। अब हम आधा घंटा हो चुका है, हम इसे पकाने के लिए रख लेते हैं। थोड़ा सा आधा कप पानी डालेंगे। और इसे हम एकदम धीमी आंच पे पकाने के लिए रख लेते हैं। अगर ज़रूरत होगी तो और थोड़ा सा पानी बाद में डालेंगे, वरना इसे एकदम थोड़ा सा ड्राई ही पकाएंगे हम। इसको हमने धीमी आंच पर आधा घंटा पकाया है। अब देख लेते हैं चिकन पकी है या नहीं। चिकन पक गई है। ये जो 2 टेबलस्पून हमने ऑलिव ऑयल रखा है वो डाल लेते हैं, आप कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे आप रोटी या ब्रेड के साथ खा सकते हैं। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरे वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय।